ऑफ जारी हो गई है, लेकिन इसी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में इस कट ऑफ का विरोध भी हो रहा है। छात्रों का कहना है कि ये जो कट ऑफ है बहुत हाई जारी की गई है, जिससे कई छात्र यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से वंचित रह जाएंगे, और इस तरह की कट ऑफ यूनिवर्सिटी को वापस लेनी चाहिए ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र आसानी से यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके। आप लोग जो विरोध कर रहे हो कट ऑफ का, इसकी क्या वजह क्या है? देखिए, हमारा मानना है कि ये जो कट ऑफ है यूनिवर्सिटी द्वारा निकाला गया और बाकी यूनिवर्सिटी में भी निकाला जा रहा है, ये एकदम ही एक्सक्लूजनरी चीज़ है। छात्रों को दाखिला देने से ज़्यादा छात्रों को छाटने में विश्वास करते हैं। आप जब आप कट ऑफ निकाल रहे हैं उसका कारण हम लोग खत्म करने की कोशिश नहीं करते हैं। कट ऑफ निकलता क्यों, कट ऑफ होता क्यों? अगर इस कारण पे जाए तो सीधी सीधी बात है, सीट कम है। यूनिवर्सिटी नहीं खुली है पिछले 20-30 सालों में, एक भी नया कॉलेज नहीं खुला। अब दिल्ली का एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, तो दिल्ली में करीब 56,000 सीट है और अभी तक सीट नहीं बढ़ाई गई, लेकिन हर साल छात्रों जो अप्लाई करते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस साल ही करीब 2,80,000 छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया है। जाहिर सी बात है, 56,000 सीट है तो 56,000 छात्रों का ही दाखिला होगा, बाकी 2.5 लाख लोग छटे। तो क्या डिमांड है ये विरोध जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में 95-99 तक कट ऑफ आती है। उसमें आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो तरीके की एजुकेशन चल रही है, एक बड़ा हिस्सा सरकारी स्कूल से पढ़ के आता है, एक छोटा हिस्सा प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आता है। तो जाहिर सी बात है, आपने सबके लिए इक्वल एक ही कट ऑफ निकाल रखी है, तो सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं वो जाहिर सी बात है इस कट ऑफ में पिछड़ जाते हैं। और लोग कहाँ जाते हैं? वो लोग इग्नू में जाते हैं, वो लोग एसएल में जाते हैं, जहाँ उनको 15-20 दिन का क्लास मिलता है। और हम मांग करते हैं कि कॉलेज बढ़ाए जाए, सीट बढ़ाई जाए, ताकि कट ऑफ डाउन हो और सरकारी स्कूल से बड़े तबके को एडमिशन मिल पाए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पहली कट ऑफ जारी हुई है उसमें पॉलिटिकल साइंस के लिए 99% कट ऑफ गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इन छात्रों के मुताबिक, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं वो इस दाखिले प्रक्रिया से, इस कट ऑफ की जो प्रक्रिया है इससे पीछे छूट जाते हैं। जो कॉलेज हैं वो ज़्यादा बढ़ाए जाएँ, जो सीट हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की वो बढ़ाई जाएँ, ताकि सभी छात्र खासतौर से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र इसमें दाखिला ले सकें। दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय दास के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस।